क्या ये सही है या झूठ, 17 और 16 या 20, इन 3 डेटों में आपके एग्जाम करवाए जाएंगे, बोर्ड एग्जाम होंगे अथवा नहीं होंगे, एमपी बोर्ड ने क्या फैसला लिया है। न्यू अपडेट के साथ मैं इस वीडियो को बना रहा हूं, तो वीडियो को अंत तक देखना, मैं सारी डिटेल क्लियर कर दूंगा कि क्या आपके एग्जाम होंगे, डेट आ चुकी है या नहीं आई है। देखिए यहाँ पे बहुत सारी अफवाहें यूट्यूब पर उड़ रही हैं। ये देखिए एक लेटर आपके सामने नज़र आ रहा है, इस लेटर पर क्या है देखिए मैं पूरा पढ़ के बताऊँगा। इसमें 2 सिग्नेचर भी नज़र आ रहे हैं जिसके कारण स्टूडेंट बहुत ही कन्फ्यूज चल रहे हैं, तो मैं उनको बता दूँ कन्फ्यूज होने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है, पूरी न्यूज़ में इस वीडियो में बताऊँगा। बट उससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को प्रेस कर लीजिए, क्योंकि मैं जब भी एमपी बोर्ड गवर्नमेंट अपना टाइम टेबल जारी करेगी, मैं तुरंत से वीडियो बनाकर अपने चैनल पर अपलोड कर दूंगा, जिससे आपको पता चल सकेगा कि किस प्रकार से आपको प्रिपेयरिंग करनी है, कब आपका एग्ज़ाम है, और प्रिपेयरिंग आप मेरे चैनल से बहुत बेस्ट तरीके से फिजिक्स एंड केमिस्ट्री की कर सकते हो। तो आइए स्टार्ट करते हैं। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है मध्य प्रदेश शासन वल्लभ भोपाल मध्य प्रदेश, यहाँ पे देखिए पिन कोड वगैरह वगैरह दिया गया है। सबसे पहली बात यहाँ पे देखिए लिखा गया है, कोरोना वायरस के चलते शिक्षा मंडल द्वारा लिया गया फैसला बहुत ही खतरनाक हो सकता है, परंतु आपने आपने भविष्य के लिए बहुत ही ज़रूरी है, ठीक है। कक्षा 10वीं और 12वीं की परीक्षा दिनांक जारी कर दी गई है, यहाँ पे लिखा गया है कक्षा 10वीं और 12वीं की परीक्षा का दिनांक जारी कर दिया गया है। 10वीं हिंदी विषय का पेपर 17 अप्रैल 2020 और तथा 12वीं का गणित विषय का पेपर 16 अप्रैल और जीव विज्ञान का 17 अप्रैल 2020 को, रसायन विज्ञान का 20 अप्रैल 2020 को लिया जाएगा, सूचना जनहित में जारी, और यहाँ पे 2 सिग्नेचर किए गए हैं। तो मैं आपको बता दूं कि ये लेटर जो है ये लेटर बोर्ड की तरफ से जारी नहीं किया गया है। आप जब तक ऑफिशियल न्यूज़ ना देख लें तब तक इसकी कोई भी जानकारी ना माने, वहाँ पे ऑफिशियल में आपको दिखाया जाएगा। मैं तुरंत से बताऊँगा कि क्या बदलाव हुए, एग्ज़ाम हुआ कि नहीं। सबसे पहली बात ये एडिट किया गया है, देखिए मेन पकड़ यहाँ पर ये एडिट करने वाला जो है पेज, पहले इसमें कुछ लिखा हुआ था, ये देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है, अभी भी उसने इधर एडिट नहीं कर पाया, वो जल्दी में था। इसके बाद ये सारी जानकारी फेंक है, ये जो डेट है ये इस तरह बोर्ड कभी नहीं डालता, ये जो इधर क्रमांक लिखा गया है ये इस तरह बोर्ड कभी नहीं लिखता। तो दोस्तों ये बिल्कुल फेंक है, इसमें परेशान होने वाली कोई बात नहीं है, ये झूठ है बिल्कुल भी। जब भी एमपी बोर्ड गवर्नमेंट अपना फैसला जारी करेगी मैं तुरंत से वीडियो बनाकर आपको सूचित कर दूंगा। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।